السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين يا رب. आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे सूरतुल बुरूज आयत नंबर 17 से 22। हल अताका, क्या आई है आपके पास? हदीसुल जुनूद, बात लश्करों की, क्या आपके पास लश्करों की खबर पहुंची है? और यहाँ अल्लाह सुभान व तआला ने मिसाल दी है, यहाँ पर मिसाल दी है किस तरह अल्लाह ताला ने जालिमों को उनके जुल्म का बदला इस दुनिया में चखाया। जो बड़ी ही कुव्वतों वाली कौम थी, बड़ी उनके पास सलाहियतें थी, कुव्वतें थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उन्हें पकड़ा तो कोई बचाने वाला नहीं था। उनको इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने मज़ा चखाया। और उनका ज़िक्र फरमाते हुए नेक्स्ट आयत में फिरऔन, फिरऔन व समूद, और समूद की। तो यहाँ दो कौमों की मिसाल दी गई है कि ये दो कौमें बहुत ही ताकतवर थी, बहुत कुव्वत वाली थी। और जैसे मदीन समूद के बारे में आता है कि वो तो कहते थे कि हमसे बढ़ के ताकतवर कौन हो सकता है, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी सलाहियतें दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर और महल बनाया करते थे। बहुत अल्लाह ताला ने उनको कुव्वतें और सलाहियतें दी थी। और फिरौन भी, यानी फिरौन तो सबसे बड़ा रब बनकर बैठा हुआ था, उसकी तो यानी इतना वो जुल्म और सितम करता कि किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसके सामने कुछ कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से हलाक किया इस दुनिया में, उसकी यहाँ पर मिसाल दी है। और यहाँ पर देखें आप, ख़ास तौर पे इनके अलावा और भी कौमों का जिक्र हम कुरान में देखते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाक किया, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर फिरौन और समूद के बारे में ही क्यों ज़िक्र आया? तो इसके पीछे देखें कि जो समूद की कौम है, ये ऐसी जगह पर रहते थे जो तबूक और मदीना के दरमियान में जो जगह है, वहाँ पर मदायन सालेह, यानी वो वहाँ पर रहा करते थे। तो मुशरिकीन मक्का, जब अहले अरब अपने काम से, अपने कारोबार से, अपने काफ़िले लेके तिजारत के लिए जाते, तो उनका गुज़र इन रास्तों से होता था। और ये जानते थे, यानी अहले अरब जानते थे कि यहाँ पर एक ऐसी बड़ी यानी ताकतवर कौम रहा करती थी जो पहाड़ों को तराश के महलात बनाते, घर बनाया करते थे। तो वो देखते थे कि आज वो किस तरह वीरान पड़ी हैं, उनका नामो निशान नहीं है, कोई वहाँ पर रहने बसने वाला नहीं है, अल्लाह ने उनको बिल्कुल यानी हलाक करके ख़त्म कर दिया। तो ये अहले अरब जानते थे समूद की कौम को, क्योंकि उनका गुज़र वहाँ से होता था। और फिरौन को अहले किताब जानते थे, यहूदी लोग उनके पास उनकी किताबों में था। तो यहूदी जो अहले किताब है, वो भी फिरौन के वाक़े को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो किस तरह लोगों पर जुल्म व ज़्यादती करता था, किस तरह अपने आप को वो रब समझा करता था कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। तो यहाँ इन दो कौमों की मिसालें दी गई हैं। और जैसे समूद के बारे में आता है कि 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक की तरफ गए, तो वहाँ जाते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, उनका गुज़र हुआ इस जगह से जहाँ पर समूद कौम समूद रहा करती थी, वहाँ से उनका गुज़र हुआ, उस वादी से गुज़र हुआ। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि यानी ये कौमों को जो अज़ाब दिए गए हैं, ऐसी कौमों के इलाक़ों से अगर गुज़रो तो रोते हुए, यानी अज़ाब इलाही से पनाह मांगते हुए गुज़रो। सही बुखारी की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी जब वहाँ से गुज़रते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी से वहाँ से गुज़र जाते। तो ये अहले अरब देखते थे उस जगह को, उन्हें पता था कि कोई एक ऐसी कौम थी, आज उनका नामो निशान नहीं है। और फिरौन को भी वो जानते थे। तो यहाँ पर एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई कि ऐ नबी, आपके लोग अगर अहले मक्का, अहले अरब अगर आपको नहीं मानते, अगर वो अड़े हुए हैं, आपकी आपको हक़ बात अगर कहने नहीं देते, और जो आप पर ईमान ला रहे हैं उनको अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं, तो आप परेशान ना हों, इनका भी अंजाम इसी तरह होगा।
हालांकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो फिरौन और समूद के आगे तो उनकी कोई हस्ती नहीं, यानी उतनी ज़्यादा उनके पास कोई क़ुव्वतें और ताकतें भी नहीं थी। समूद के बारे में आता है कि अल्लाह ने इनको इतनी ताकत और क़ुव्वत दी थी कि ये पहाड़ों को तराश कर महल और घर बनाया करते थे। आज देख लें हमारे पास इतनी ज़बरदस्त मशीनरीज है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ को काट के रास्ता बनाना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो कहाँ इतनी सालों पहले वो कौम समूद वो पहाड़ों को तराश के महल और घर बनाया करते थे। तो ये अल्लाह ताला ने ही उन्हें दी थी ये सलाहियतें ये क़ुव्वतें। लेकिन जब उन्होंने अपने नबियों को झुटलाया, अम्बिया अकराम की बात नहीं मानी, सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह पकड़ा। और ख़ास तौर पे आता है जैसे नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन कौमों का ज़िक्र करके, जैसे पिछली आयत में भी हमने देखा ना कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है, यानी इन नबत शरबी का लशदीद, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी शदीद है। और किस तरह अल्लाह ताला ने कौम समूद को पकड़ा, यानी बस एक चीख की आवाज़ थी। कहते हैं कि बास कहते हैं कि जिब्रील अलैहि सलाम की चीख थी और बास कहते हैं कि आसमान से ये आवाज़ आई थी। सिर्फ एक चिंगार, एक चीख, एक ज़ोर की कड़क थी, उस सूरत में उनको वो अजाब आया और वो चीख सुनकर वो औंधे मुंह अपने घरों में पड़े रहे। यानी उनकी वो आवाज़ सुन के उनका दिल पारा पारा हो गया, इतनी खौफनाक आवाज़ थी, सिर्फ एक चीख। कहाँ गए वो दावे, बड़ा कहते थे कौम समूद तो कहते थे कि हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उनको इतना नवाजा था, थी उनके पास इतनी क़ुव्वतें, और वो ख़ुद भी मानते थे और कहते थे कि हमारे जैसा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इतनी ताकतवर कौम सिर्फ एक चीख से हलाक हो गई, और फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए वो एक चीख से। जिस तरह परिंदे मरने के बाद आप देखें ज़मीन पर मट्टी के साथ पड़े होते हैं, मरने के बाद उसी तरह ये मुंह के बल ज़मीन पर पड़े रहे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। और ऐसे हो गए गोया कि वो कभी वहाँ आबाद ही नहीं थे, सब के सब हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने वो सारी बस्ती को हलाक कर दिया, और फिरौन का तो हम जानते हैं अंजाम किस तरह से हुआ। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई, और साथ में जो इस तरह के जुल्म करते हैं उनके लिए एक वार्निंग भी है कि तुम अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो। जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो फिर बच नहीं सकते, जिस तरह असहाबुल उखदूद ने किया। उनको लगता था कि उनसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। उन्होंने मोमिनों को किस तरह गड़े खोद कर, खंदकें खोद कर, उसमें उनको मुसलमानों को उन्होंने जलाया। तो अल्लाह ताला की जब पकड़ आती है तो चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, फिर वो बच नहीं सकता। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि वो लोग जिन्होंने कफर व कुफर किया, फी तकज़ीब में लगे हुए हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने तकज़ीब कुफर किया, इनकार किया, झुटलाने में लगे हुए हैं, यानी वो शक में पड़े हुए हैं, उनको शक और शुबहात है, कुफर है, कुफर में है वो, और जैसे कहते हैं ना कि एक तकब्बुर में, ज़िद में कि हमने नहीं मानना। उनके सामने खुली खुली आयतें उनको बताई जाती थी, उनको निशानियाँ उनको दिखाई जाती थी, लेकिन उनका उनका तकब्बुर उनको इतना था कि बस मानना हमने नहीं है, और शक और शुबहात की वजह से। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह इन्हें इनके पीछे से घेरे हुए है, यानी अल्लाह ताला हर तरफ से इन्हें घेरे हुए है, यानी अल्लाह ताला इन पर खादिर है, अल्लाह ताला गालिब है, और अल्लाह ताला के हुक्म को ना टाल सकते हैं ना उसे आजिज कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तो ये ना कहीं बचकर भाग सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला के घेरे में है, हर तरफ से घेरे में, ये बचकर कहीं निकल नहीं सकते। फिर उसके बाद कुरान के बारे में फरमाया बल हुवा कुरान मजीद, बल्कि ये कुरान मजीद ऊंची शान वाला है। इस कुरान की तो ये फजीलत है कि ये ऊंची शान वाला है, और ये कुरान है कहाँ, फी लौह महफूज, लौह महफूज में लिखा हुआ है, यानी ये कुरान हर किस्म की कमी बेशी और तहरीफ से, तब्दीली से, करप्शन से, हर चीज़ से ये महफूज है। जहाँ लौह महफूज में है, जहाँ फरिश्ते इसकी हिफाजत कर रहे हैं।
और यही कुरान आज हमें अल्लाह सुभान व तआला ने इसी कुरान को हमारी हिदायत का ज़रिया बनाया है। ये कुरान बहुत ही ऊंची शान वाली किताब है, जो इसको पढ़ ले तो अल्लाह ताला फिर उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान अल्लाह ताला भर देता है। ये कुरान तो ईमान वालों के लिए तस्कीन का ज़रिया है, उनके लिए ये जन्नत में जाने का ज़रिया है। और कुरान एक ऐसा साथी है जो हमारे लिए झगड़ेगा, और कहाँ पर, मैदान हशर में। और हम इतने सूरों में देखते आ रहे हैं कि मैदान हशर की क्या वहाँ पर हालात होंगे, कि वहाँ हर किसी को नफसी नफसी अपनी पड़ी होगी। वहाँ हमारे चाहने वाले, हमारे खूनी रिश्ते भी हमें देखकर भागेंगे, कोई हमारे बिहाफ पर बोलने वाला वहाँ नहीं होगा। बोलना तो छोड़ें, कोई चूँ चरा तक नहीं कर सकेगा वहाँ पर। वहाँ ये कुरान झगड़ेगा, अल्लाह ताला उसको इजाज़त देंगे, ये सिफारिश करेगा। तो इस कुरान को वाकई, इसकी हम फजीलतों को समझना चाहिए, इसकी अहमियत को हमें समझना चाहिए कि ये तो कैसी कुरान है। बल हुआ कुरान मजीद, ये तो ये कुरान ऊंची शान वाला है। और कहाँ पर है? लोहे महफूज में। वो वहाँ पर है लोहे महफूज में, जहाँ फरिश्ते इसकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का कितना रहम है हम सब पर, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखें कि उस कुरान को अल्लाह ताला ने हम तक भी पहुँचाया। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का, इसको हमारे लिए ज़रिया बनाया। और इस कुरान को अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है। दुश्मन तो बड़ी कोशिश करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन कुरान में ना कोई कमी बेशी कर सकता है, ना ही इसमें कोई तब्दीली ला सकता है। में आप देखेंगे लोगों को, हर कोई कुछ ना कुछ इल्म ले रहा है, कहीं ना कहीं कोई दुनियावी तालीम है, कोई और चीज़ें हैं, लेकिन कुरान मजीद का इल्म सीखने वाला शख्स दिगर तमाम उलूम सीखने वालों से आला और अफसल है। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। बुखारी ने इसे रिवायत किया है, तुम में से बेहतर वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं अल्लाह ताला की नज़र में, तो हमें कुरान सीखना और सिखाना चाहिए। ये दो लोगों के बारे में ज़िक्र आया कि ये बेहतर है, ये बेस्ट है। और जो कुरान मजीद सीखने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनको चार नेमतों से नवाजता है जो कुरान को सीखते हैं। और शैतान इसी में ही इतने रोड़े डालता है, इतने बहाने हमारे सामने ला के रख देता है, इतनी वजूहात कि हम छोटी छोटी चीज़ पर इस कुरान को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, जो सीखने वाले हैं, अल्लाह ताला क्या नेमत इनको नवाजता है। इन पर सकीनत नाजिल की जाती है, सुकून। बड़े बड़े मुश्किलात आएंगे, परेशानियाँ आएंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे आप उनकी तरफ बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ रहते हैं। अल्लाह ताला उनके दिलों को थाम लेता है, अल्लाह ताला उन पर सकीनत नाजिल फरमा देता है। तस्कीन दिल कुरान से ही मिल सकता है हमें। चाहे जो मर्ज़ी हम दुनिया की चीज़ें करके देखें, वो खुशी जो है ना, बस टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए होगी, फिर उसके बाद फिनिश वो खुशी। तो अल्लाह ताला उन पर सकीनत नाजिल फरमाता है, और अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है। फरिश्ते उनके इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं। अल्लाहु अकबर, इतनी शान कुरान सीखने वालों के लिए कि अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक वो एहतरामन खड़े हुए उनके लिए, और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र खैर फरमाता है, फ़ख्र के तौर पर फ़ख्र करते हुए फ़रिश्तों के सामने उनका ज़िक्र करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी नेमतें किन के लिए? जो कुरान सीखने वाले हैं। और याद रखें, कुरान सीखने वाले अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, ख़ास बंदे। और इब्ने माजा ने इसे रिवायत किया है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह हमें भी अपना बना ले। हम हर कोई यही चाहते हैं ना कि हम अल्लाह वाले बन जाएं। कैसे बन सकते हैं? इस हदीस से देख लें आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ लोग अल्लाह वाले हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, वो कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुरान वाले हैं, वो कुरान वाले अल्लाह वाले हैं, और उसके चुने हुए बंदे हैं। अल्लाहु अकबर, यानी जिसको अल्लाह ताला चुनता है, जिसको अल्लाह ताला चूज़ करता है, वो ही कुरान को सीखते और सिखाते हैं। हर किसी को ये हिदायत नहीं मिलती, हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती। अगर आज हम कुरान को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है।
और नेमतों की अगर कदर नहीं करेंगे तो नेमतें छीन ली जाती है। तो अल्लाह ताला हमें इस नेमत को, नेमत की कदर करने वाला बनाए। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे सीनों की बहार बना दे कि हमारा दिल बेचैन रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस कुरान के साथ गुजारें। कभी इसको हिफ्ज कर रहे हैं, कभी इसके हम इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं, कभी इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सीख रहे हैं, कभी इसकी तफसीर हम सीख रहे हैं, कभी लोगों तक हम इसे पहुँचाने में मसरूफ़ है। तो अपने आप को कुरान से जोड़ लें, फिर देखें ज़िंदगी में किस तरह सुकून आ जाएगा, फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमतें किस तरह आप पर बरसेंगी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में कुरान की मोहब्बत भर दें, आमीन या रब। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सूरे को हिफ्ज़ भी किया होगा। अब आपको ऑलमोस्ट एक महीने के करीब 3 हफ्ते तो मिल रहे हैं और बिल्कुल छोटा सा सूरा है। कितनी आयात है इसमें, 22 आयात हैं। तो जिसने अभी तक हिफ्ज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके देखें, ज़रूर हिफ्ज़ भी करें इसको। और ख़ास तौर पे देखें, इस सूरे के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर और असर की नमाज़ में से पढ़ा करते थे, सूरतुल बुरूज और सूरतुत तारिक़ को पढ़ा करते थे। तो हमें भी क्या करना है, ये सूरतों को पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सूरा सूरतुत तारिक़ है और ये सूरतुल बुरूज हमने मुकम्मल किया है, तो हमने भी ये सूरों को अपनी नमाज़ों में पढ़ना है और अपने आप को याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है, जैसे इस सूरे से हमने क्या सीखा, अपने आप को याद दिलाना है कि आजमाइशें आएंगी, आजमाइशों को मांगना नहीं है। दुआ तो यही आफ़ियत की करना है कि या अल्लाह तू ना हमें आजमा, अल्लाह या हम या अल्लाह तू हमें आफ़ियत दे। लेकिन अगर आजमाइशें आ जाती हैं तो साबित कदम रहना है। आजमाइशों में अगर अपनी माल और जान लगाना पड़ जाए तो पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। खुशी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अपनी माल और अपने जान को अल्लाह के रास्ते में लगा देना चाहिए, साबित कदमी के साथ रहना है। और फिर हमने देखा कि जो मोमिनों को सताते हैं, उनको इज़ाएँ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कितना सख्त अजाब रखा है। तो हम उस तरह की तकलीफ़ें तो नहीं देते किसी के ईमान लाने पर, लेकिन हमने एहतियात ये ज़रूर करना है कि किसी अल्लाह के बंदे या बंदी को हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, हमारी तरफ से कोई उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। और फिर हमने ये भी देखा इस सूरे में कि तौबा के दरवाज़े खुले हैं। अल्लाह ताला का रहम और फ़ज़ल देखें, वो लोग जिन्होंने यानी ईमान लाने वालों को खंदकों में ज़िंदा उन्होंने जलाया, उनको भी अल्लाह ताला ने दावत दी कि अगर ये गुनाहों से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला इन्हें भी माफ़ कर देता। तो हमें इससे यही पता चला कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तौबा के दरवाज़े खुले हैं। कब तक, जब तक हमारी रूह यानी सांस जो है हमारा जो हलक तक ना आ जाए, रूह हमारी जब तक हलक तक ना आ जाए तब तक हम सब के पास चांस है। और शैतान यहीं पे आकर वसवसे डालता है, यहीं पर आके मायूस करता है कि अल्लाह ने कभी तुम्हें नहीं माफ़ करना, तुम्हारे गुनाह तो इतने हैं। तो मायूस कभी ना हो, तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। और फिर हमने इस सूरे में ये भी देखा उनके लिए जो ख़ास तौर पे उनके दीन की वजह से कि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसकी वजह से जब उन को अज़ियतें दी गई, उनको सताया गया और उस पर उन्होंने साबित कदमी से उन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया, उन्होंने सब्र से इसको किया, तो अल्लाह ताला उनके अजर में इजाफ़ा फरमाएगा। हमने देखा कि किस तरह अस्हाबुल उख़दूद के बारे में कि जब उन्हें ज़िंदा जलाया गया, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी नेक्स्ट आयत में क्या फ़रमाया कि जो लोग ईमान लाए और अमले साले करें तो उनके लिए जन्नात है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो जिस तरह से तकलीफ़ें आएंगी, जिस तरह हम तकलीफ़ें उठाएंगे दीन के रास्ते में या अज़ियतें उठाएंगे, तो उस कदर फिर अजर व सवाब में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाएगा। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला हम इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र कर रहे हैं तो क्या अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा, नहीं, अल्लाह ताला अजर में भी इजाफ़ा फरमाएगा, दर्जात में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाएगा। फिर इस तरह हमने आगे देखा इसके बाद कौमों का ज़िक्र आया, दो कौमों के बारे में कि क्या उनकी यानी क़ुव्वतें थी, इतनी शानदार ऐसी क़ुव्वतें उनके पास, इतनी ताकत वाली कौमें थीं और ऐसे हो गए जैसे कभी आबाद ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला से हमें यही यानी डरते रहना चाहिए कि कब अल्लाह ताला की पकड़ आए, बेखौफ होकर नहीं बैठना चाहिए कि कुछ नहीं होता, चलता है, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं, एक मोमिन तो डरते रहना चाहिए,
डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की पकड़ में मैं ना आ जाऊँ। और फिर उसके बाद हमने कुरान की फजीलत देखी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अल्लाह ताला कुरान की मोहब्बत अल्लाह ताला डाल दे, अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे सीनों की बहार बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा सूरा था, लेकिन अगर आप इसमें अगर आप देखें अमली नुखात, अगर हमारे लिए अमल की बातें, तो बहुत सारी अमल की बातें निकल सकती है। तो आप भी ये सीखें गौर व फिक्र करना कि हर आयत को लेकर मैं इस आयत पर अपने आप को कहाँ पाती हूँ, इस आयत से मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, इस आयत की वजह से वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मुझे रुकना चाहिए या मुझे बाज रहना चाहिए। तो हर आयत पे गौर व फिक्र करें, इस तरह आप देखेंगे आपके ईमान में भी इजाफा होगा। इस तरह फिर ये होगा कि आपको गुनाहों से भी रुकने में, बाज आने में आपकी आपको इसमें आपको मदद मिलेगी। जब गौर व फिक्र करते हैं ना, तो ईमान जब इजाफा होता है, ईमान का लेवल जब हाई होता है, तो फिर इंसान गुनाहों से भी बचता है और नेकियों का शौक़ भी उसमें बढ़ता है। इन आयात की तिलावत सुने। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.